हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मला'स किचन। आज हम बनाएंगे बीट की सब्जी। बीट की सब्जी मैंने बीट को बारीक चॉप करके मैंने दाल राइस का कुकर रखा था, उसके ऊपर रखा था स्टीम करने के लिए विदाउट वाटर। ऐसे ही डिश रखना है और आपको जैसे चाहिए आप पीसेस रख सकते हैं, बड़े या छोटे। नारियल, हरी मिर्च, नारियल और हरी मिर्च के हम पेस्ट बनाएंगे। आपको जितना तीखा चाहिए उतना आप हरी मिर्च डालिए और नारियल जितना आपको ग्रेवी करना है, जितना ज़्यादा ग्रेवी या कम ग्रेवी उसके ऊपर डिपेंड है। मैं हाफ नारियल से भी थोड़ा कम लेने वाली हूँ, इससे मैं कम लेने वाली हूँ। नींबू का रस है, नमक, शक्कर, हींग, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, राई जीरा और गार्निशिंग के लिए नारियल। फ्रेंड्स, मैंने नारियल और हरी मिर्च का पेस्ट करके ले लिया है। बारीक पेस्ट करना है हमें और 2 टेबलस्पून मैंने तेल डाला है गरम करने के लिए और राई जीरा डाल रही हूँ मैं। हींग डालेंगे, बीट डालेंगे, नारियल की पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ वही बर्तन में धो के। हल्दी डालेंगे, हल्दी कम डालनी है हमें। लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक, आपको ड्राई चाहिए तो ड्राई बना सकते हैं, ग्रेवी चाहिए तो ग्रेवी भी रख सकते हो। ये सब्जी रोटी के साथ और चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है उसका। फ्रेंड्स, 2 मिनट पकने देंगे उसको ढक्कन रख के। फ्रेंड्स, अब चेक करेंगे, इसमें हम शक्कर डालेंगे। ये सब्जी खट्टी मीठी रहती है तो आप नमक, शक्कर और नींबू का तीनों का बैलेंस एक रखिए। नींबू डाल रही हूँ मैं। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उतना आप रखिए। अगर टिफिन में लेके जाना है तो पूरा ड्राई भी बना सकते हैं। 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी रेडी है। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ग्रेवी के लिए, ये देखिए। राइस के साथ अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने ग्रेवी रखी है और रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। सिर्फ आप सब्जी का इतना ही ध्यान रखिए कि नमक, शक्कर और खट्टा तीनों का बैलेंस एक होना चाहिए तो टेस्टी भाजी बनेगी। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। फ्रेंड्स, बीट की सब्जी रेडी है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।